हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन आई एम लक्ष्मी और आज की इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज ऑन द चैनल जो है Now, know, कि है अबाउट एनसीआरपलर प्रॉब्लम्स नाउ एज यू ऑल नो कि एन सी आर टी आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेशली आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के लिए जिसके अंदर स्पेशली बायोलॉजी के सेक्शन में आपको 82 से 85 क्वेश्चन एनसीआर से देखने को मिलते हैं so चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप न्यू पर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि आज का हमारा हम अपलोड करेंगे सभी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सके क्योंकि एनसीआर इज द की टू स्कोर गुड इन योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनसीआर टी के हर एक क्वेश्चन को करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स marks... कोई भी नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ क्वेश्चन करने होंगे और अच्छे से समझना होगा कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसी के साथ साथ अगर आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिंक होना चाहते हो तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो द एच एल सेम नेम से तो चलो हम शुरू करते हैं एनसीआर की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं लेकिन आप ये बोलोगे मुझसे कि मैम ये तो एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है ना थ्योरिटिकल क्वेश्चन का नीट में क्या काम है बच्चों थियोरिटिकल क्वेश्चन इसलिए करने इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये एनसीआरटी का पार्ट है और एनसीआरटी के यही वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं इनसे एनसी बना दिया जाता है ओके okay, तो चलो शुरू करते हैं इज एज फादर ऑफ नेम टू अदर स्ट नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी नाउ लीनियस को तो कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अदर टू कौन से ऐसे बोटेस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इस प्लांट टेक्सोनॉमी में बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने आंसर अब तक गेस कर लिया है आपको आंसर पता है सही आंसर है यहाँ पर जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वो दिया गया था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा इन देयर बुक जेनेरा प्लांटेरम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज वीड स्टैंड्स फॉर क्या फुल फॉर्म है अगर आप लोगों को फुल फॉर्म्स की एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर सारी फुल फॉर्म्स होंगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको सारी फुल फॉर्म्स की जो पर्टिकुलर वीडियो है वो एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस क्या होगी इसकी फुल फॉर्म एक्टली आईसीड स्टैंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लियचर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं व्हाट डेट मीन टेक्सोनॉमिकट का मतलब क्या होता है किसी को कोई आइडिया व्हाट डज इट मीन बहुत सिंपल आंसर है बच्चों इट मीन कपलेट का मतलब क्या होता है जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर देखो कपलेट मतलब दो चीजें होंगी ऑब्वियसली द द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर उसको हम कहते हैं कपलेट इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू हमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आ, एक लीड हमें मिलती थी उन दोनों में से हम कोई एक लीड चुनते थे और उससे हमें एक और लीड मिलती थी तो ये पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है अबाउट कपलेट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज मोनोग्राफ मोनोग्राफ क्या होता है क्या किसी को इसके बारे में पता है डू यू ऑल नो अबाउट मोनोग्राफ हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट on कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन any one जीनस और फैमिली एट अ particular टाइम सिर्फ और सिर्फ मोनो से आपको समझ में आ रहा होगा सिंगल तो सिर्फ एक taxon की ही वैल्यू एक taxon की ही इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ के अंदर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू नाउ इज दिस फिनोमेना ग्रोथ और इट इज रिप्रोडक्शन एक ट्रिक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि अमीबा तो मल्टीप्लाई कर रहा है माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू अब आप लोगों को यह बताना है कि क्या ये, है या है? Exactly ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन uh, हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस टू ग्रोथ यानी कि अगर देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अमीबा क्या होता है अमीबा इज यूनिसेल्युलर ओके okay? तो यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन के तौर पर क्या देखने को मिलेगा कि ये डिविजन हो रहा है और उसी डिविजन की वजह से सेक्स्ट इज डिफाइन मेटाबॉलिज्म व्हाट इज मेटाबॉलिज्म अब मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कई क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं तो इसलिए आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, है ना सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होती है उन सभी को मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म और किसी भी चीज को जब अब देखो मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं यानी कि दो पार्ट में डिवाइडेड है अगर हमें किसी चीज को बनाना है किसी प्रोडक्ट को बनाना है दैट इज एनाबोलिज्म ओके अगर हम किसी रिएक्शन को तोड़ रहे हैं किसी प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं दैट इज नोन एज कैटाबोलिज्म सो मेकिंग समिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन अ रिएक्शन इज नोन एज कैटाबोलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डेंस इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन कौन सा है नेम ऑफ यू वेल नोन बोटैनिकल गार्डेंस इन इंडिया अब आपको इस क्वेश्चन से तीन से चार क्वेश्चन पता लग जाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो चलिए आंसर देखते हैं लार्जेस्ट फेमस बोटैनिकल गार्डन पूरे वर्ल्ड में एक है जो कि है गार्डन वि गार्डन इंडिया के फ व इंडियन बोटैनिकल गार्डन इन कोलकाता एंड नेक्स्ट इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें आप जरूर याद रखिएगा अब आ जाते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पर जो कि है एमसीक्यू अब आप बोल रहे हो कि मैम पहले वाले नहीं थे बिल्कुल थे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे ये आपके MCQs में आ जाएंगे तो शुरुआत करें आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी हम काफी क्विकली करेंगे क्वेश्चंस को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कमें करके मुझे जरूर बताइएगा तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नाउ ये आपकी स्पीशीज हैं ये किंगडम है जब हम यहां से यहां जा रहे हैं इना टेक्सोनॉमिक हायरार की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन नंबर ए विल डिक्रीज ऑप्शन बी विल इंक्रीज ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम एंड ऑप्शन नंबर डी में इंक्रीज और डिक्रीज तो करेक्ट ऑप्शन होते हैं और जैसे जैसे एक एक स्टेप ऊपर जाते, जाते हैं तो जो सिमिलर कैरेक्टरस्टिक है वो कम होते जाते हैं ओके एज वी गो हाइयर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग सफिक्स इज यूज फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट विच इंडिकेट्सोनॉमिकी में हम इनमें से कौन सा सफिक्स यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए एलिस ऑप्शन बी ओने ऑप्शन नंबर सी ए सी एंड ऑप्शन नंबर डी एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी आपने देखा होगा लीलिएसी जो ए सी लग रहा है दैट इज ज सफेक्स जो की फैमिली के, के लिए यूज होता है ना आप पूछोगे नाम एलिस किसके लिए यूज होता है एलिस इज यूज फॉर प्लांट्स के लिए यूज हो रहे प्लांट्स में भी ऑर्डर के लिए इसको यूज करते हैं किसके लिए ऑर्डर के लिए उसके बाद ओने किसके लिए यूज होता है दिस इज यूज फॉर क्लास ओके एसी तो आपको पता चली ग ए किसके लिए यूज होता है दैट इज यूज फॉर फाइलम ठीक है क्लियर चलो टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू सिस्टमैटिक टर्म का मतलब क्या है बताइए एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देर रिलेशनशिप क्या आप लोगों को याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में है ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में तो ह्यूमन बीइंग्स को जब से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बेसिकली हम लोग हर एक चीज को कहीं ना कहीं पता लगा रहे हैं डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म इन सब के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पर द ब्रांच ऑफ स्टडी जो कि रेफर करते हैं जो कि इन सब की आ, पढ़ाई कर रहे हैं इन सबकी स्टडी कर रहे हैं दैट इज बी नोन एज सिस्टमैटिक्स क्लियर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन सब के बारे में सिस्टमैटिक्स के जरिए हमें पता लगता है नेक्स्ट जीनस जीनस किसे रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल ऑप्शन बी अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल ऑप्शन नंबर सी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल देखो सबसे नीचे स्पीशीज होती है उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है जीनस तो सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली स्पीशीज यहाँ है अब कुछ सिमिलर स्पीशीज हैं जिनके कैरेक्टर सेम हैं वो एक जीनस में आ जाती हैं दूसरी सिमिलर स्पीशीज हैं जिनके कैरेक्टर सेम हैं वो दूसरे जीनस में आ जाती हैं तो बेसिकली जीनस क्या है इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और दी एनिमल्स

बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी डिवीजन क्योंकि एनिमल्स के लिए वी यूज फाइलम एंड फॉर प्लांट्स वी यूज डिवीजन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन ऑफ एक्सॉटिक लिविंग स्पीशीज ओनली ऑप्शन नंबर सी कलेक्शन ऑफ एंडेमिक्लाशनिक लिविंग स्पीशीज ओके बेसिकली बोटानिकल गार्डन हो गए जूलॉजिकल पार्क हो गए यहाँ पर आपको आ, कुछ ऐसी स्पीशीज देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं से लाई गई होती हैं और उनको यहाँ प्रिजर्व किया जाता है कि पर्टिकुलर एक म्यूजियम टाइप जगह हो गई जुलॉजिकल पार्क जैसी जगह हो गई जहां पर उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वो रह सके और बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स के लिए सेम किया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्सोनॉमिक की टेक्सोनॉमिक टूल्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ फ्लोरा both a and b and none of these exactly option number c both a and b kyunki flora ke paas kya hota hai flora has its own habitat and distribution of plants kisi bhi particular jagah ka kisi bhi area ka plants ki puri puri knowledge hoti hai puri puri जानकारी होगी ठीक है उसके बाद जो manuals हैं monographs हो गए these are very useful ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी स्पीशीज की जो एक पर्टिकुलर एरिया नॉलेज होती है जाने कि किसी भी एक जीनस या किसी भी एक फैमिली की इंफॉर्मेशन होगी एट अ पर्टिकुलर टाइम क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज ऑप्शन नंबर ए हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप Option B, they share common genetic material but to varying degrees. Option number C, all have common cellular organization. And option number D, all of the above. And the correct option here is. ऑप्शन नंबर बी दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज ऑब्वियसली सारा डीएनए मटेरियल जो है आपका सारा जेनेटिक मटेरियल सेम होता है स्पेसिफिकली सिर्फ कोई एक से दो सीक्वेंस जो है वो थोड़े डिफरेंट हैं जिसकी वजह से अलग अलग इंसान बनते हैं ओके सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दीज आर लिंक्ड टू वन अनादर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटीरियल लेकिन बिल्कुल प्रॉपरली कॉपी नहीं होता कोई भी जेनेटिक मटेरियल कॉपी नहीं होता उसकी सीक्वेंस में थोड़ा चेंज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसका आंसर बताते हैं ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ ऑप्शन नंबर बी एबिलिटी टू मेक साउंड ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्शन यहाँ पर सी आएगा ओके रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टेमुला बिल्कुल तो क्या कोई नॉन लिविंग थिंग आपको रिस्पॉन्ड कर सकती है

यहाँ पर अगर हम बात करें किंगडम uh, exactly, क्या, क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली किंगडम इज प्लांटे उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर पर आ जाते हैं वट इज ऑर्डर ऑर्डर इज पॉलीमोनिय बिल्कुल एक सेकेंड बिल्कुल क्लियर उसके बाद अगर हम यहाँ पर uh, हमारे स्पीशीज पर आते हैं स्पीशीज इज ट्यूबरोसम स्पीशीज इज ट्यूब अगर हम जीनस पर आते हैं जीनस इज सोलेरियम ओके क्लियर तो स्पीशीज ट्यूबरोसम हो गई हमारी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स हो गया उसके बाद हमारा जीनस सोलिएटम हो गया उसके बाद अगर हम बात करें किंगडम की किंगडम इज प्लांटे एंड फैमिली इज सोलिस क्लियर चलिए सो आई होप आप लोगों को आ, ये वीडियो पसंद आया होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज आपको ऐसे हर एक चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करके मैं वीडियो लाने वाली हूँ तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय